वो सब गाइस, तो ये GTA 5 में मेन्यू ट्रेनर यूज करने की सेकंड वीडियो है, उसकी पूरी कंप्लीट गाइडेंस की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए ऊपर भी तुम लोगों को लिंक दिया हुआ है, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह में ये ऊपर तुम लोगों के आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा टीवी वगैरह पर हो तुम लोग, तो नीचे जो मैंने लिंक दिया हुआ है इसको क्लिक कर लो पहली वीडियो देखने के लिए। उसमें तुम लोगों को मैंने कंप्लीट बताया था कि प्लेयर ऑप्शंस कैसे यूज करने। सबसे पहले मेन्यू ट्रेनर यूज करने के लिए तुम लोगों ने F8 दबाना है, अगर पहली बार GTA स्टार्ट किया है, यानी समझो एक दो दिन बाद दोबारा से स्टार्ट किया, या जब भी दोबारा GTA 5 खोला है तो तुम लोगों ने दो बार F8 बटन दबाना है, उसके बाद मेन्यू ट्रेनर खुल जाएगा, जैसे ये मेरे सामने खुल चुका है। इसके बाद मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में, जिसका मैंने अभी नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो में मैंने प्लेयर ऑप्शन सारे के सारे कंप्लीटली समझा दिए थे, ये जितने भी प्लेयर ऑप्शन हैं। अब हमने इस वीडियो में, इस पार्ट में बाकी ऑप्शन समझाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई थी पिछली वाली और उसमें कंप्लीट डिटेल में मैंने समझाया था, लेकिन फिर भी कोई इशू आता है, कोई क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे या उस वीडियो के नीचे, मैं कंप्लीट गाइडेंस करूंगा, एक चीज का बता दूंगा। आज हमने पहले देखना है, सबसे पहले देखना है व्हीकल ऑप्शन। तो व्हीकल ऑप्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो है टेलीपोर्ट इनटू द क्लोजेस्ट व्हीकल, जो सबसे करीब व्हीकल होगा उसमें ये टेलीपोर्ट हो जाएगा। जैसे ये रेड कलर की गाड़ी है, ये इसके अंदर बैठ गया, देखा कितना जबरदस्त है, कितना इजी है, एक बार क्लिक करो और ये गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा, जो भी क्लोजेस्ट व्हीकल होगी, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, भले वो 1 किलोमीटर दूरी क्यों ना, उसमें जाकर टक करके बैठ जाएगा, जो भी क्लोजेस्ट होगी ये इसमें बैठ गया। और ये टेलीपोर्ट व्हीकल क्लोजेस्ट व्हीकल में जैसे ही तुम लोग बैठोगे, ये देख रहे हो, ये रिपेयर व्हीकल का ऑप्शन तुम्हारा टॉप पर आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। अब इसमें फुल रिपेयर का मतलब है कि पूरी की पूरी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, उसके शीशे वगैरह भी रिपेयर हो जाएंगे। कीप विंडोज ओपन का मतलब ये है कि खिड़कियां जो होंगी वो नीचे खुली रहेंगी, तो उनकी कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं होगी। अगर फुल करते हो तो खिड़कियां दोबारा वापस ऊपर चढ़ जाएंगी, यानी क्लोज हो जाएंगी विंडोज और कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगी। और थोड़ा सा ठोक के दिखा दूं मैं तुम लोगों को, चलो गाड़ी चलो चलो चलो, क्या हुआ गाड़ी, अच्छा एक मिनट, ये जो है ना, ये गाड़ी चलेगी ऐसे कि तुम लोगों ने पहले F8 दबाकर ये हटाना पड़ेगा। ये F8 दबाकर मैंने हटाया, ये गाड़ी को लेकर गया और मैंने ये टैक्सी में ठोक दी गाड़ी। ठोकने के बाद इसको जरा फ्रंट से देख ले हम लोग कि क्या हालत हुई है इसकी, ये देख लो ये स्क्रैच आ गया इस गाड़ी पर, ये कबाड़ा हो गई। तो F8 में दबाऊंगा, रिपेयर व्हीकल करूंगा, ये रिपेयर हो गई, बस सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसको तुम असाइन भी कर सकते हो, बटन भी असाइन हो सकते हैं, वो मैं तुम लोगों को आगे जाकर बताऊंगा। टेलीपोर्ट इनटू द क्लोजेस्ट व्हीकल तो हो गया, व्हीकल स्पॉनर देख लो, अगर आप व्हीकल स्पॉन करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारे पास वैसे भी मेन्यू ट्रेनर के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर तुम लोगों को सबसे पहले तो स्पॉन सेटिंग्स हैं, डिलीट ओल्ड व्हीकल्स अगर करना चाहते हो, ऑटो सेट इन व्हीकल अगर करना चाहते हो, खुद ब खुद ही बैठ जाएगा या फिर बाद में खुद बैठोगे व्हीकल स्पॉन होने के बाद। इसके अलावा स्पॉन प्री अपग्रेडेड पहले से ही अपग्रेडेड हो जाएगी वो। इसके अलावा स्पॉन इनविजिबल, गाड़ी नजर नहीं आएगी, बिल्कुल इनविजिबल होगी। और प्राइमरी पेंट, इसको जरा हटा दें, ऑटो सेट इन व्हीकल को भी हटा दें। प्राइमरी पेंट अगर तुम चाहते हो कोई स्पेसिफिक कलर हो जो भी गाड़ी स्पॉन हो रही हो, तो वो इसमें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग मेहरान, सुजुकी मेहरान, मारुति 800, इंडिया में मारुति 800, सुजुकी 800, पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान अगर तुम लोग स्पॉन कर रहे हो, तो जो कलर में चाहोगे पहले से ही होगी, मैट मेटेलिक, और जो ये समझो कि यूटिलिटीज वगैरह भी जो उसमें होंगी, ये सारे कलर दिखा रहे हैं कि ये कलर उसमें हो सकता है, जो भी तुम सेट करोगे वो हो जाएगा। वॉन भी उसके पर है कि ग्रेफाइट हो, सिल्वर ग्रे हो, जो भी चीजें हो, ये छोटी मोटी चीजें जो भी तुम्हारी चॉइस के मुताबिक हो वो कर सकते हो। और इसके अलावा सेकेंडरी पेंट अगर चाहते हो, उसके पर लाइनें बनी हुई हो या फिर कोई डिजाइन बनावा हो, तो वो भी है ये। इसके अलावा टॉगल है, यानी अगर कोई नियॉन वगैरह करना चाहते हो, कोई भी चीज करना चाहते हो कलर वगैरह, जैसे RGB कलर्स वगैरह, ये कलर वगैरह करना चाहते हो तो ये भी हो सकते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं, ये सारे ऑप्शन हैं, छोटे मोटे ऑप्शन हैं, ऐसा कोई ऐसी नहीं है। टाइप जो है कैसी, प्लेट टाइप, इसकी नंबर प्लेट टाइप कैसी हो, जैसे इस गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है, वो नंबर प्लेट कैसी हो, टेक्स्ट क्या हो गाड़ी में वो है ये। और इनेबल प्रीव्यूज, गाड़ी का प्रीव्यू देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते, वो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें सुपर कार में अभी आ जाऊँ, तो ये प्रीव्यूज जो आ रहे हैं ना तुम्हारे सामने, ये प्रीव्यूज आने का वो ऑप्शन था। तो सेव व्हीकल, सॉरी स्पॉन सेटिंग्स में ये थोड़े से दो तीन ऑप्शन हैं, रीलोड प्रीव्यूज वगैरह सारी चीजें। इसके अलावा सेव व्हीकल्स वो हैं जो तुम लोगों ने अपनी गूगल से डाउनलोड किए हैं, अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं, वो सेव्ड फाइल्स यहाँ पर होंगी। जैसे मेरे पास एक घोस्ट राइडर जो भी है सारी चीजें। ड्राइवर विजिबिलिटी इसमें ऑप्शन है, सेव करंट व्हीकल, क्रिएट न्यू फोल्डर, ये छोटे मोटे ऑप्शन है, आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग सीख जाओगे, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फेवरेट्स में अगर तुम लगाना चाहो, कोई भी मॉडल को फेवरेट करना चाहो, तो उसको फेवरेट कर सकते हो। और फेवरेट करने के बाद फेवरेट का एक बटन होता है, वो बटन दबाने से, कीबोर्ड पर कोई भी बटन सेट कर दो फेवरेट का, दबाने से वो चीज सामने आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी। इसके अलावा फनी व्हीकल्स में अगर हम देखें, एक मिनट फ्रैंकलिन को जरा नीचे उतार लूं, फ्रैंकलिन नीचे उतर जाओ, ताकि हम अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को फनी व्हीकल्स दिखा दें। जैसे ये एडरूना, ये देख रहे हो गाड़ी, ये गाड़ी कैसी है, इसके अंदर खुद ब खुद ही फ्रैंकलिन बैठ गया। फ्रैंकलिन बेटा बाहर निकलो, अभी बैठने को किसने बोला तुम्हें। इसके अलावा अगर हम दूसरी गाड़ी स्पॉन करें, कौन सी है,
जेंटोरनुमा, पता नहीं क्या नाम है इसका। ये देख रहे हो कितनी कितनी बेहतरीन डिजाइन की मस्त तरह की गाड़ी है। इसमें थोड़ा और देखें, लैंड जेट्सकी, लैंड की जेट्सकी आ गई, लैंड पर चलने वाली जेट्सकी है ये। सही है, स्पीकर्स अप, क्या क्या गाड़ियां इसमें फालतू की, बस ये समझो कि फनी ऑप्शन है, फनी व्हीकल्स हैं ये। फ्रैंकलिन बेटा नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं इसमें। ये गाड़ी अच्छी थी, ऑडी ही सिर्फ अच्छी है। इसके अलावा तुम लोग सुपर कार्स में जाओगे तो बहुत सारी सुपर कार्स के ऑप्शन है, जैसे ये फेरारी टाइप है, ये समझो ये भी किसी डिजाइन की टाइप की है, ये कुछ नजर नहीं आ रहा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल ये लैम्बोर्गिनी टाइप की है, लैम्बोर्गिनी कौन सी होती है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, खैर ये है वही लैम्बोर्गिनी पता नहीं यार कौन सी होती है, टर्जो वर्जो ऐसे करके, नहीं टर्जो तो दूसरी होती है, खैर बहरहाल मुझे गाड़ियों का इतना ज्यादा नहीं पता। और ये देख रहे हो ये बैटमैन की गाड़ी, बैटमैन मोबाइल, हटो ना फ्रैंकलिन कहां घुस गए तुम गाड़ी में, गाड़ी तो दिखाने दो लोगों को। ये देखो गाड़ी में बैठे, ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है, मस्त गाड़ी है, बैठ जाओ गाड़ी में। ये फ्रैंकलिन ने बना ली बैटमैन की गाड़ी, और बैटमैन की गाड़ी चलाएंगे अब हम, एक मिनट है पेट दबाएं। ये बैटमैन की गाड़ी हमने बाहर निकाल ली, यहाँ पर देख सकते हो क्या जबरदस्त गाड़ी है बैटमैन की, पीछे इसके भाई पता नहीं क्या ये जेट इंजन लगा हुआ है, इतनी जबरदस्त बैटमैन की गाड़ी आ गई है हमारे पास। तो बहुत सारे ऑप्शन है गाड़ियों में। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है, स्पोर्ट्स में नॉर्मल गाड़ियां होंगी, कुछ इस तरह की डिजाइन की गाड़ियां नहीं होंगी, बाकी इसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लासिक में भी पुराने जमाने की जो स्पोर्ट्स होंगी वो ये आ जाएंगी यहाँ पर तुम लोगों को। ये देख रहे हो ये कबाड़ा पुराने जमाने की गाड़ी, ये भी आ जाएगी तुम्हारे सामने, एक मिनट इसको हम स्पॉन भी करके दिखा देंगे जरा तुम लोगों को। ये देखो ये आ गई, ओहो क्या बुड्ढों की फेवरेट गाड़ी, पहले नीचे उतरो जरा, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, हाँ व्यू अच्छा करना है व्यूअर्स का, व्यू थोड़ा बड़ा करें, F8 वाइडर व्यू, हाँ ये सही है। अब देख लो कैसी गाड़ी तुम्हारे सामने आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है पुरानी गाड़ियों के इसमें। अच्छा हाँ, इसमें सिविक वगैरह भी डालना चाहो तो तुम लोग जो है डाल सकते हो, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि बाइक्स और गाड़ियां कैसे डालनी है मेन्यू ट्रेनर में, और फिर उसको GTA 5 में कैसे यूज करना है। वो देखो पागल का बच्चा पीछे आकर ठुक गया, ये देख रहे हो गाड़ी में ठोक दी बैटमैन की गाड़ी में। अबे अंधे के बच्चे साइड से निकालना यार, कसम से गधे की नजर है ये, बहुत ही बेकार NPC है, नॉन प्लेएबल करेक्टर, ये भी टकराएगा। अबे ये 45 नहीं है, अच्छा है। खैर फालतू की बातें छोड़ें। इसके अलावा कूप्स हैं तुम्हारे पास, ये भी देख सकते हो, ये अच्छी गाड़ी है, ये महंगी वाली गाड़ियां जो होती है वो है। वो बैटमैन की गाड़ी में बैठ रहा है वो, अबे बैटमैन की गाड़ी में बैठ रहा है, ये क्या चल रहा है, अबे ये क्या, ये तो लेके भाग गया, अबे छोड़ जा रहे हो, अबे वाह यार वीडियो के बीच में मैं तो मेन्यू ट्रेनर दिखा रहा था, ये तो तफरी वाली वीडियो हो गई, वो लेके भाग रहा, वे भाई हद होती है यार, गजब, हमारी आंखों के सामने लेकर भाग रहा हमारी गाड़ी, वाह चला भी गया, खबीस लेकर भाग गया यार, ये कदम से ये हो जाए या इसमें से कोई था, गाड़ी मेरी लेकर भाग गया। इसके अलावा मसल कार्स देख ले जरा, तफरी से हट जाए यार, ये अचानक से सीन हो गया बीच में, ये देख लो ये क्या हो, ऐसी डरावनी गाड़ी, बैठ जाए इसके अंदर जरा, बैठ जाओ फ्रैंकलिन अबे बैठ जाना, देख लो ठोकने वोकने के लिए बड़ी जबरदस्त गाड़ी है। वैसे ये फोर्ड मस्टैंग है, इसको पता नहीं क्या बनाया हुआ इन लोगों ने। इसके अलावा ये भी देख सकते हो बहुत डिफरेंट, ये अच्छा डिजाइन है, ये भी लोड हो गई, ये देखो कैसी गाड़ी है, ये अजीबोगरीब एक और अजीब ही कोई नमूना नस्ल की गाड़ी है। तो खैर बहुत सारे इसमें भी ऑप्शन हैं। इसके अलावा तुम लोग ऑफ रोड अगर देखना चाहो तो ऑफ रोड भी है, ये बहुत सारे ऑफ रोड बने हुए, जैसे ये ट्रक बहुत आला है, क्या ट्रक है यार, ओए बेहतरीन। फ्रैंकलिन जरा फ्रंट से दिखा दें आप अपने व्यूअर्स को ये ट्रक, ये देखो कैसा जबरदस्त ट्रक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं डिजाइन में लेकिन होते हैं, ये मौजूद होते हैं। ये देखो ये भी है RTV टाइप है, ये और भी बहुत सारे, ये क्या बुड्ढी हाँ गाड़ी है भी बुड्ढी है, वैसे तो बॉडी नाम है इसका लेकिन देखें कैसी है। अब ट्रेवर की गाड़ी है, ट्रेवर की गाड़ी भी आ गई तुम लोगों के पास। तो बहुत सारे ऑप्शन है गाड़ियों के बाद SUVs में तुम लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसे ये रेंज रोवर डिजाइन की है, और ये दूसरी रेंज रोवर है, ये तीसरी रेंज रोवर है, ये पता नहीं कौन सी एस्केलेट टाइप है। तो इसमें लैंड क्रूजर वगैरह भी तुम लोग डाल सकते हो, वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि बड़ी गाड़ियां भी कैसे डाली जाएं, छोटी गाड़ियां भी कैसे डाली जाएं, सारे डिजाइन की कैसे डाली जाएं। मॉडल्स होते हैं गूगल से इजीली मिल जाते हैं, तो वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। इसके बाद हमारा सेडान्स हैं, सेडान्स में आपकी ये आ गई बस ढीली छोटी मोटी बेकार सी जो गाड़ियां होती हैं बिल्कुल, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलती हैं वो हैं ये, जैसे सिविक हो गई, करोला हो गई, इस टाइप की। इसके अलावा कॉम्पैक्ट्स में ये भी फालतू के डिजाइन हैं, टेढ़े मेढ़े, ये देख लो कॉम्पैक्ट गाड़ी, मतलब बहुत छोटी टिड्डी गाड़ी, छोटी गाड़ी, ये देखो प्रियस टाइप की गाड़ी, प्रियस ही है एक तरह से, ये क्या पागल के बच्चे हैं सारे के सारे, कितने करीब से जाए जा रहे हैं। ये कूपर हो गई, कूपर का डिजाइन है, ऐसी बहुत सारी है, ये मिस्टर बीन की गाड़ी आ गई। खैर इसके अलावा पिकअप्स में पिकअप ट्रक आ गए तुम्हारे पास जितने भी हैं, इसमें तुम डाला भी डाल सकते हो, वीगो, काली वीगो भी डाल सकते हो, वैसे ये वीगो टाइप ही है लेकिन असली वीगो कैसे, ये देख लो मर्सिडीज की आ गई, जिसके छह टायर होते हैं जिसमें,
और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो तुम लोग और कैसे डालोगे वो तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाएंगे कि कैसे डालनी है। इसके अलावा तुम लोगों के पास वैन्स हैं, वैन्स में बहुत सारे डिजाइन है, जैसे ये है, ये तो वैन नहीं थी, और कहाँ है वैन, ये भी वैन वैन वैन, खैर वैन्स भी बहुत सारी हैं तुम लोगों के पास, ट्रक्स हैं, ट्रक्स के बाद हैं फिर सर्विसेज, सर्विसेज में आपकी बस वगैरह आ गई, ये देख रहे हो ये कराची में जो आजकल नई बसें चल रही हैं वो भी इसमें आ गई हैं, तो तुम लोग ये डाल सकते हो अपनी वीडियो में। और इसके अलावा, इसके अलावा ये कौन सी है, ये भी गोल्फ कार्ट है, गोल्फ कार्ट। और इसके अलावा ये देख रहे हो ये भी बस है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ट्रेलर्स, ट्रेलर्स में ये क्या है, ट्रेलर्स में क्या है, ये कोई मशीन टाइप है ट्रेलर्स, ये टैंकर डाल के देखते हैं, और ये टैंकर आ गया, इतना बड़ा टैंकर, लेकिन इसके आगे तुम लोगों ने लगाना पड़ेगा, गधे के बच्चों ठुक जाओ, अंधो नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को, इतना बड़ा ट्रक नजर नहीं आया पागल के बच्चों को, ये भी ठुक गया, अबे ये चल क्या रहा है, मेरे ख्याल में इन लोगों को नजर नहीं आते, ये इनविजिबल तो नहीं है इन लोगों के लिए कहीं, ओ भाई ओ पागल, ओ पागल, ये भी ठुकेगा, ये नहीं ठुका भाई, ये पागल है, ये सारे के सारे पागल हो गए, देखो लाइन में लगे हुए पागल, खैर इन पागलों को छोड़ू यहां से निकल के भागू मैं, पता चला पागल मेरे पीछे लग गया, मुझे मारने लग गया। अरे बाइक अच्छी है, हाँ बाइक से याद आया, टैंकर से वापस जाएं, ट्रेन भी डाल सकते हो तुम लोग, ट्रेन में, ट्रेन यहाँ पर डाल के देखें, इधर ही ट्रेन डाल देते, इतनी बड़ी ट्रेन, ट्रेन हमने लैंड कर दी यहाँ पर, ट्रेन फ्रैंकलिन भी बेचारा बाल बाल बचा है, मर जाता वरना अभी। और ये देख रहे हो ट्रेन का पूरा इंजन आ गया, अब इस ट्रेन के इंजन में बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते वो देखो जरा, मैं चढ़ जाओ फ्रैंकलिन ऊपर, ऊपर चढ़ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, ट्रेन के इंजन में बैठ जाओ, बैठ जाना, नहीं यहाँ से नहीं बैठेगा, पीछे से बैठेगा, ट्रेन के इंजन में लाजमी बैठ के देखना है भाई मुझे, उतरो उतरो उतर 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 उतर, अबे उतर ना, फंस गया ट्रेन में, यहाँ से पीछे से रास्ता है मेरे ख्याल में इसका, यहाँ से चढ़ते हैं हम लोग, हाँ यहाँ से अंदर जाने का रास्ता होगा, चलना, अबे भाई नहीं जा पा रहा ट्रेन के इंजन में, ये मनुष्य मारा, चल जा, चलो बेटा फ्रैंकलिन ट्रेन में चढ़ो और तुम यहाँ से अंदर जाओ, फाइनली फाइनली, चल 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 चल, बैठ जा बैठ जा ट्रेन में, ट्रेन के इंजन में नहीं बैठ पा, फायदा इस ट्रेन का, दबाओ यहाँ से दबाओ, हाँ बस ट्रेन को छोड़ो, अब ट्रेन को छोड़ो, ट्रेन में नहीं बैठना, ट्रेन के बाद तुम लोग देख सकते हो इमरजेंसी व्हीकल में तुम्हारे, ओ टैंक्स भी है भैया, टैंक ही टैंक, टैंक ही टैंक, ट्रक मिलिट्री ट्रक, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें टैंक्स वगैरह की, तो तुम लोग ये भी डाल सकते हो। इसके अलावा मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स तो मेरी फेवरेट है, तुम सब लोगों को पता ही है, तो बहुत आला आला मोटरसाइकिल्स हैं इसमें, मजा आ जाता है बाइक चलाने में, तो बाइक तो मेरी फेवरेट है, अक्यूमा बहुत आला बाइक है, ये देखो ये आ गई हमारे पास, इस पर हम लोग बैठ जाएं। और इसके अलावा भी बहुत सारी बाइक्स हैं यहाँ पर, तुम लोग देख सकते हो कितने अजीबोगरीब डिजाइन की भी बाइक्स है, जैसे ये रॉकेट की कोई बाइक है, ये बाइक चाहिए मुझे, जरा देखिए ये क्या है, अबे ये क्या, ये हवा में उड़ती है, बैठे जरा इस पे, बैठो बैठो बैठो, F8, अबे ये तो हवा में उड़ रही है, अबे यार ये बेहतरीन है, मुझे आज तक क्यों नहीं मिली बाइक, ये तो बहुत जबरदस्त बाइक है, बेहतरीन बाइक यार, मजेदार यार, मजेदार, बहुत मजे की बाइक है ये यूज करूंगा मैं हमेशा हमेशा ये यूज करूंगा अब यार, जबरदस्त, उतरो उतरो फ्रैंकलिन, नीचे उतर जाओ बेटा, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे अब मिला है, आज मिला है, अब जब भी GTA 5 खेलूंगा इसी बाइक पर खेलूंगा। इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, नाम है ऑप्रेसर MK2, तुम लोग भी याद रख लो, तुम लोग भी ये ट्राई करना, बहुत मस्त बाइक है, मजेदार बाइक है, ऐसा लग रहा है जहाज जमीन पे उड़ा रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा बाइकों के अलावा बाइसिकल्स हैं, बाइसिकल में साइकिल्स आ गई तुम्हारे पास, इतने सारे डिजाइन है साइकिल्स के बाद, फिर प्लेन्स आ गए, प्लेन्स के डिजाइन है, प्लेन्स के बाद फिर तुम्हारे आ गए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के डिजाइन है, हेलीकॉप्टर डालना चाहो, लग गई चोट लग गई बेचारे को, अबे फ्रैंकलिन मर मत जाइयो मेरा बेटा, मर मत जाइयो, ये देखो ये हेलीकॉप्टर आ गया, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है, तुम लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर यहाँ पर, ये देखो ये दूसरा हेलीकॉप्टर है, ये तीसरा हेलीकॉप्टर, मतलब बहुत सारे हेलीकॉप्टर के डिजाइन है, ये देखो ये बड़े वाले हेलीकॉप्टर भी हैं, इसको अगर हम यहाँ पर लैंड करें, अब ये तो हेलीकॉप्टर के अंदर ही आ गया, उतरो फ्रैंकलिन नीचे उतरो, ये देखो कैसा जबरदस्त हेलीकॉप्टर है, पूरा का पूरा इसमें पूरा अंदर का भी पूरा क्लियर डिजाइन दिखाया हुआ है इसमें, नीचे उतर जा बेटा नीचे उतर जा, अबे नीचे उतर जा, F से नीचे उतरेगा शायद, अबे किधर से नीचे उतरेगा, ये तो फंस गया अंदर, लो भाई फ्रैंकलिन ही फंस गया अंदर, खैर इसको चेंज करें शायद ये नीचे उतर जाए, कार्गो बॉब इसको करके देखते हैं, इसके भी अंदर ही बैठा हुआ है, अबे भाई किसी ने तो नीचे उतर, सब में ही अंदर बैठा हुआ है वो, चलो इससे नीचे उतर गया, ये देख रहे हो कितने सारे हेलीकॉप्टर के ऑप्शन है, हेलीकॉप्टर के ऑप्शन के बाद यहाँ पर फ्रॉगर वगैरह 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 बहुत सारे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के ऑप्शन के बाद तुम्हारे पास फिर बोट्स हैं, बोट्स में जैसे फॉर एग्जांपल ये बोट सामने अगर हम इसको ले आए, और फ्रैंकलिन कहाँ गया, अबे भाई ये बेचारा मर जाएगा आज, ये मर जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ दबे जा रहा है, बोट के नीचे दबा हुआ था साइड में हो जाए, फ्रैंकलिन बहुत कचरा जमा हो गया यहाँ पर। बोट के बाद अगर हम लोग देखें तो रैंडम व्हीकल्स हैं, रैंडम व्हीकल में कुछ भी उड़ के आ जाएगा, अबे कहाँ गया फ्रैंकलिन, बैठ गया क्या अंदर, उतर नीचे नीचे उतर, अबे नीचे उतर बैठ क्यों गया, ये कोई भी रैंडम व्हीकल आ जाएगी, बस सिंपल सा ये ऑप्शन है। इनपुट मॉडल्स में अगर तुम लोग डालना चाहो तो यहाँ पर अपना मॉडल कोई नेम वगैरह जो तुम लोगों को याद हो डाल सकते हो, यहाँ पर ऐड हो जाएगा तुम लोगों ने अगर कोई डाला हुआ है तो। अच्छा ये बैक स्पेस से नहीं हटता, ये स्केप से हटता है,
और यार मेन्यू स्पॉनर के बाद फिर मेन्यू कस्टम है। मेन्यू कस्टम के लिए जरूरी है कि तुम लोग किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, फिर जाकर ये मेन्यू कस्टम ऑन होगा। तो हम पहले गाड़ी देख लेते हैं, जरा इसमें पहले चले जाऊं मैं बैक, और गाड़ी ये वाली गाड़ी है, इसमें जाकर मैं बैठ जाता हूं और तुम लोगों को क्लियर बता देता हूं कि क्या क्या इसमें ऑप्शन है हमारे पास। बस ये समझो कि जितनी भी गाड़ी मॉडिफिकेशन है उसके ऑप्शन इसी में ही है, मेन्यू कस्टम में ही होते हैं। मेन्यू कस्टम में तुम लोग देख सकते हो व्हील्स है, इंजन है, ब्रेक्स है, ट्रांसमिशन है, सारी चीजें इसमें मौजूद है जितनी भी है, टर्बो वगैरह, लाइट्स वगैरह, सस्पेंशन लोअर करना हो, हेडलाइट इंटेंसिटी बढ़ानी हो, बहुत तेज लाइट करनी हो हेडलाइट की, और कलर जो प्लेट टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेट का पीछे से डिजाइन वगैरह टाइप वगैरह चेंज करना हो, नंबर प्लेट का, लाइसेंस प्लेट का की कस्टमाइजेशन करनी हो, कोई नाम वाम लिखना हो वो भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं WUJJ लिखना चाहूँ तो वो मैं कस्टम नंबर प्लेट बना सकता हूँ, इंजन ऑडियो चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। और ये भी जो है, आहिस्ता आहिस्ता करते रहोगे तो तुम्हें सारे ऑप्शन इसके पता चल जाएंगे। टॉप स्पीड वगैरह है इसमें कि कितनी टॉप स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की, ये भी तुम लोग सेट कर सकते हो। इसके अलावा हम जाते हैं व्हीकल वेपन्स में। व्हीकल वेपन्स में तुम लोगों को पता है कि यार जहर सी बात है, जितनी भी गन्स वगैरह होंगी, जितने भी ये समझो कि रॉकेट्स लॉन्चर्स, और जितने भी वो लोहे की एक मिशन में छोड़ी थी उसने पीछे से कांटे छोड़ती थी जिससे जो है वो पुलिस वालों की गाड़ियां तबाह हो रही थी, वो भी इसी में ही होते हैं ऑप्शन। सारे के सारे इसमें ऑप्शन मौजूद है, इतने सारे ऑप्शन है, ये तुम ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा व्हीकल मल्टीप्लायर्स में तुम लोग देख सकते हो एक्सेलरेशन है, ब्रेकिंग रिवर्स है, और ट्रैक्शन है, यानी गाड़ी जमीन पर चिपकी रहे, और एक्सेलरेशन तो पता है तुम लोगों की स्पीड जो है बहुत तेज हो जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे तो जैसी गाड़ी को भगाना शुरू करोगे फुल स्पीड में भाग जाएगी, बहुत तेजी से आगे निकल जाएगी। इसके अलावा स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर अगर तुम ऑन कर दो तो यहाँ पर ये देख सकते हो नीचे आ गया है 0 किलोमीटर पर आवर। अब तुम गाड़ी फॉर एग्जाम्पल चलाते हो, उसको मैं हटाऊं जरा, ये मैंने गाड़ी चलाई तो ये दिखाने लग गया 28, 30, 40, वो जो स्पीडोमीटर्स नजर आ रहे होते हैं वो इसी तरह से नजर आ रहे होते हैं सारे के सारे स्पीडोमीटर्स। और इसके अलावा ये देखो, अगर मैं स्पीडोमीटर का डिजाइन चेंज करूं, F8 में वापस जाऊं, ये डिजिटल से एनालॉग कर दूं तो ये तुम्हारे सामने एनालॉग हो गया। एनालॉग में ये तुम्हारे पास ऑप्शंस भी होते हैं, थीम वगैरह के, डार्क थीम हो, पोजीशन किधर करनी है वो भी कर सकते हो। ये देखो साइड में कर दिया, बीच में कर दिया, ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये जितने चाहे तुम पोजीशन वगैरह कर सकते हो। एक्स पोजीशन है लेफ्ट राइट की, और वाई पोजीशन है ऊपर नीचे की, ये देख रहे हो ये वाई पोजीशन हो गई ऊपर नीचे की, मैंने इसको ऊपर किया और फिर मैं एक्स पोजीशन में इसको और कोने पर कर दूं, कोने पर जाना, ये कोने पर आ गया, सही है। तो ये पोजीशन भी तुम लोग एनालॉग मीटर वगैरह की सेट कर सकते हो। इसके अलावा मीटर्स अगर हम हटा दें, स्पीडोमीटर वैसे मैं यूज नहीं करता तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। स्पीडोमीटर मैंने अगर ऑफ कर दिया तो मेरे सामने यहाँ से जो स्पीड है वो सामने से हट जाएगी। बहुत से लोगों ने वीडियोज में देखा होगा स्पीड नीचे लिखी भी आ रही होती तो वो ऐसी आती है स्पीडोमीटर से। इसके अलावा मल्टी प्लेटफॉर्म नियॉन्स वगैरह है इसमें, ये समझो कि रेनबो मोड गाड़ी का हो जाता है, और भी बहुत सारी ये छोटी मोटी फालतू की चीजें, ये मैं कभी यूज नहीं करता है सच। पीवी ऑप्शन में अगर देख ले तो जो व्हीकल है ये रिमेंबर हो जाएगा, ये एक तरह से ये तुम्हारा पर्सनल व्हीकल हो जाएगा, ये याद रहेगा, गेम को याद रहेगा कि ये तुम्हारा व्हीकल है। टेलीपोर्ट टू व्हीकल, टेलीपोर्ट इनटू सीट, ये जो है ये छोटे मोटे ऑप्शन है। टेलीपोर्ट वेल व्हीकल टू सेल्फ, अब व्हीकल जो होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ऑटो ड्राइव में फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी वे पॉइंट पर जाना चाहते हो तो तुम लोग ऑटो ड्राइव करके छोड़ दो, वो खुद ही चलती रहेगी, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हाथ में ऐसे बांध के बैठ जाना, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस तुम्हें यूं बैठ जाना है और गाड़ी खुद ब खुद ही चलती रहेगी। ड्राइविंग स्टाइल वगैरह भी है, स्पीड भी है, कितनी सेट करनी है, और पुश अदर व्हीकल्स अवे, ये करोगे तो सामने से व्हीकल्स खुद ब खुद हट जाएंगे, वो टकराएंगे नहीं, कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर देखते हैं स्लैम इट, इंक्रीज डाउन फोर्स, इसको जमीन पर बिठाने के लिए वो स्लैम गाड़ी होती है ना, जमीन पर बैठ जाती है वो है ये। ओपेसिटी अगर गायब करना चाहो गाड़ी को तो वो कर सकते हो, जैसे ये 0% में बिल्कुल अंधी हो जाएगी गाड़ी, सिर्फ फ्रैंकलिन बैठा हुआ नजर आएगा, गाड़ी बिल्कुल गायब हो जाएगी। इसके अलावा इसको हम रीसेट कर देंगे, गाड़ी वापस आ जाएगी। और इसके अलावा गाड़ी का डैमेज एंड डिफेंस है, यानी कितना डैमेज और डिफेंस होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें ऑप्शन है, तो ये तुम लोग सेट कर सकते हो। इसको स्केप कर दो, मुझे ऐसे अभी इसमें कुछ सेट नहीं करना। इनविजिबिलिटी मतलब गाड़ी कभी भी टूटेगी नहीं, टूटे फूटेगी नहीं, जैसे फ्रैंकलिन की हम लोगों ने इनविजिबिलिटी ऑन की थी तो उसको चोट नहीं लग रही थी, कुछ भी कर लो उसको जरा भी इंजरी नहीं हो रही थी, वैसे गाड़ी बिल्कुल तबाह नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इनविजिबिलिटी फिर वही है गायब होने वाली। ऑटो रिपेयर, खुद ब खुद रिपेयर हो जाएगी गाड़ी। ऑटो फ्लिप, अगर फ्लिप हो गई है तो फॉरन इंस्टेंटली वो सीधी हो जाएगी। कीप इंजन एंड लाइट्स ऑन, गाड़ी से उतर भी जाओ तो भी लाइट और इंजन खुला रहेगा। ये मोड ऐसा है कि तुम लोग अगर फॉर एग्जांपल इसको ऑन कर दो और मैं जला दूं, हेडलाइट कैसे जलती है मुझे हेडलाइट का दिमाग में नहीं आ रहा अभी, खैर बहरहाल ये देखो धुआं निकल रहा है पीछे से, गाड़ी का धुआं निकल रहा है। अब मैं गाड़ी में से अगर उतर भी जाता हूं और मैं पीछे जाकर इसके खड़ा होता हूं तो ये तुम लोग देख सकते हो इसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है गाड़ी में से, तो ये इसका इंजन चलता रहेगा अगर कीप इंजन एंड लाइट ऑन कर दे तो। इसको अभी हम बंद कर दें और फिर से मैं गाड़ी में बैठ के तुम लोगों को डेमो दे दूं एक बार। ये गाड़ी में बैठा मैं, गाड़ी में बैठने के बाद ये गाड़ी से उतरा मैं, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा ये तुम लोग देख सकते हो इसका धुआं, अबे यार गाड़ी तो अच्छी है जो लेकर जा रहे हैं, ये धुआं इसका बंद हो गया, यानी इसका इंजन बंद हो चुका है। और किल इंजन का मतलब ये कि इंजन को जैसी बात है बंद कर दो, बिल्कुल चलेगी नहीं, कुछ भी कर लो गाड़ी नहीं चलेगी। रेनबो मोड, गाड़ी के कलर्स चेंज होते रहेंगे, रेनबो होता रहेगा। रेनबो मोड में तुम लोगों को दिखा दूं, जैसे मैं गाड़ी में इसमें बैठता हूं, ये मैं गाड़ी में बैठा, बैठने के बाद देखा कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू से पर्पल हो गया, पर्पल से अब ये कोई और कलर हो जाएगा, जल्दी चेंज हो, ये पिंक हो गया,
पिंक से कलर चेंज होके हो जाएगा रेड, ये रेड हो गया। तो ये रेनबो कलर होते रहेंगे, कलर खुद ब खुद ही चेंज होता रहेगा अपनी मर्जी से। ये रेनबो मोड को ऑफ करें तो ये येलो कलर में ही रुक गए, बेचारी टैक्सी बन गई, गाड़ी अच्छी बनी। स्लाइडी टायर मतलब फिसलने वाले टायर हो जाएंगे। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल तो तुम लोगों को पता ही होगा। टो मोड, गाड़ी को अगर किसी को टो करना है तो ये टो का ऑप्शन इसमें है, टो मोड ऑन हो जाएगा इसका। रेस बूस्ट, हॉर्न हॉर्न बजाने के लिए, और भी बहुत सारे फ्लाई मोड गाड़ी को उड़ाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लाई मोड ऑन कर दें ना तो और फिर गाड़ी को चलाएं तो ये देख लो कैसे कैसे चल रही है ये फ्लाई मोड इसका ऑन हो गया, यानी ये गाड़ी बहुत तेज हो गई है एक तरह से, उड़ भी रही है गाड़ी है। अबे भाई सही हो जाए, कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है, ये देख लो ये उड़ रही है गाड़ी ये। इसको हम अगर फ्लाई मोड दोबारा से ऑफ कर दें, एक मिनट कहाँ चला गया, चला कहाँ गया, थोड़ी सी आगे जाओ गाड़ी, बस यहीं पर ही रुक जाओ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अबे रुक जा, अबे उतर जा गाड़ी में से। अजीब अदाब बन गई है गाड़ी मेरे लिए भाई, कितनी मुश्किल बन गया इसको रोकना। खैर फ्लाई मोड से ऑन हो जाएगा। फ्रैंकलिन बेटा उठो, ज्यादा चोट लग गई क्या, ज्यादा चोट लग गई। फ्रैंकलिन खैर इनविंसिबल है अभी तो इसको चोट नहीं लगेगी। इसके बाद अगर हम देखें हमारे और ऑप्शन जो है, हम कहाँ पर थे, व्हीकल कौन से ऑप्शन पे थे, हम थे फ्लाई मोड, तो फ्लाई मोड को ऑफ कर देते हैं। मेरे लिए फ्लाई मोड बेकार है, लेकिन गाड़ी उड़ने लग जाती है, बहुत तेज चलने लग जाती है, जहाज की स्पीड से चलती है, ब्लूटूथ ग्राउंड ग्राउंड के साथ चिपक जाएगी बिल्कुल। कुछ भी कर लो, कोई भी टक्कर मार लो, कहीं से भी गिरा दो उसको, वो जमीन के साथ चिपकी रहेगी बिल्कुल। व्हीकल जंप भी करने लग जाएगी, वो ऑप्शन आ जाएंगे। हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक्स मतलब जंप उसके अच्छे हो जाएंगे। ड्राइव ऑन वाटर, पानी पर चलने लग जाएगी गाड़ी। ये छोटी मोटी चीजें जो ये समझो कि तुम लोग अगर ऐसी चीज करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी पानी पर चलाना चाहते हो तो वो चल जाएगी। मास गाड़ी का बढ़ाना हो, चाइल्ड लॉक, ये तो फालतू की चीजें, डोर लॉक, ग्रेविटी, नो ग्रेविटी, गाड़ी के लिए कोई ग्रेविटी ही नहीं बजेगी। प्लीज व्हीकल सेट ऑन फायर, गाड़ी को आग पे लगाना है, आग लगानी है गाड़ी को, तो ये फॉर एग्जांपल यही गाड़ी है। मैं इस गाड़ी के पास जाता हूँ और इसको करता हूँ, हाँ ये एक मिनट इसके अंदर बैठू, पहले ये अंदर बैठा, ये सेट व्हीकल ऑन फायर, ऑन हो ना, ऑन हो नहीं हो रहा। खैर अभी इसको छोड़ दो, मेरा नहीं हो रहा सेट व्हीकल ऑन फायर, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। नीचे उतरू, उतर के अब फिर से सेट व्हीकल ऑन फायर करने की कोशिश करूँ। कोलिजन ऑन रखना है, कोलिजन ऑफ नहीं करना किसी भी चीज का, वरना चीज नहीं हो रहा यार, ये फायर वाला नहीं जल रहा। क्या छोड़ो अभी इसको जलाकर क्या करना है, मैं बाद में इसका देखता हूँ ये मॉड में क्यों नहीं जल रहा, फायर क्यों नहीं लग रही यार गाड़ी में। वैसे तो तुम लोग चाहो जलाने के लिए तो उसको पेट्रोल डाल के आग लगा सकते हो, वो तुम लोगों के पास ऑप्शन है। अच्छा डिलीट व्हीकल में तुम्हारे जो व्हीकल्स होंगे, ऑप्शन होंगे, वो डिलीट मतलब अगर कोई डाला हुआ है और तुम व्हीकल के अंदर बैठे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ सामने जाता हूँ और इस गाड़ी में देख रहे हो सुपर जंप, याद है तुम लोगों को, ये वही है। इस गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में बैठने के बाद ये मैंने एफ दबाया, एफ दबाने के बाद मैं करता हूँ इसको डिलीट व्हीकल, ये गाड़ी गायब हो गई। अगर ये बहुत ज्यादा कचरा बन रहा है, यहाँ पर गाड़ियां तुम्हारे सामने बहुत सारी भरी पड़ी हैं और तुम गाड़ियों को हटाना चाहते हो, तो तुमने सिर्फ सिंपली गाड़ी में बैठना है और डिलीट व्हीकल कर देना, सामने से गाड़ी हट जाएगी, सफाई हो जाएगी, फालतू में कचरा जो सामने आएगा वो ये समझो कि हट जाएगा। जैसे मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मुझे दो तीन बार ये पूरा व्हीकल का करना पड़ा, क्योंकि जैसी बात है मेरा मॉड मेरा GTA 5 बार बार क्रैश हो रहा था, तो मैंने सामने से सारी जितनी भी व्हीकल है आज मैंने लोड की थी तो सारे सामने खड़ी भी थी, सारी सामने से हटा दी थी ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर लूं, जहां से मैंने छोड़ा था, जहां से मेरा गेम क्रैश हुआ था वहीं से कंटिन्यू कर पाऊं, तो मैंने डिलीट व्हीकल का ही ऑप्शन किया था। अच्छा व्हीकल ऑप्शन में आपका मेन्यू कस्टम के बाद है व्हीकल वेपन, ये सारी चीजें, यानी व्हीकल ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। व्हीकल ऑप्शन तक ही आज की वीडियो हम लोग रखेंगे, दो वीडियो हो चुकी है। देखो तुम लोगों ने अगर दूसरी वीडियो देखनी है प्लेयर ऑप्शंस की, वाली प्लेयर ऑप्शंस वाली देखनी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम लोग देख सकते हो उस वीडियो को। दूसरा इस वीडियो के एंड में भी मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगा दूंगा ताकि तुम प्लेयर ऑप्शंस वाली वीडियो देख पाओ। काफी डिटेल में मैंने बताया एनिमेशन वगैरह, मॉड्स वगैरह, झाड़ू पोछा कैसे करेगा, सिगरेट कैसे पिएगा, पान कैसे थूकेगा, सारी की सारी चीजें उसमें मैंने बताई है, तो वो तुम लोग देख लो वीडियो। और इस वीडियो में तुम लोगों को व्हीकल ऑप्शन सारे पता चल गए। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें ये देख सकते हो तुम लोग, टेलीपोर्ट ऑप्शन है, वेपन ऑप्शन है, वेदर ऑप्शन है, टाइम ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट स्पूनर है, बहुत सारे ऑप्शन अभी बचे हुए, तो इसकी चार पांच वीडियो तो बननी है, तो मैं सबको लिंक कर दूंगा, बारी बारी सबका लिंक देता जाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ इसके अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूं ताकि तुम लोगों के लिए मेन्यू ट्रेनर पूरा कंप्लीटली समझना और मॉड्स को समझना बहुत इजी हो जाए। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी इशू पेश आता है तो कमेंट कर देना, कमेंट का मैं लाजमी जवाब दूंगा। ये देख लो, ये लाजमी कर लो, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। लाइक जरूर करना, हाँ 50-60 लाइक्स कर दो और बेइंतहा शेयर करो इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बाकी सारे ऑप्शन समझाता हूँ। टेक केयर, बाय बाय। Mm-hmm.